अभय शर्मा एकेडमी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ वीडियोस में हम परसेंटेज के दो तीन प्रकार के क्वेश्चन भी बना चुके हैं। आज के वीडियो में मैं सक्सेसिव चेंज प्रारंभ कर रहा हूं। तो क्या होता है सक्सेसिव चेंज देखते हैं। सक्सेसिव चेंज का मतलब होता है किसी राशि पर प्रतिशत में परिवर्तन और उस परिवर्तित राशि पर फिर से एक प्रतिशत में परिवर्तन। इस प्रकार से परिवर्तित राशि पर बार बार प्रतिशत में यदि हम वृद्धि या कमी करते जाएं तो उसे हम क्रमागत परिवर्तन कहते हैं, सक्सेसिव चेंज कहते हैं। एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, इस 100 रुपये में यदि 10% की वृद्धि कर दें तो 100 का 10% 10 रुपये होता है, तो ये राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, 110। ठीक है, अब मान लो 10% की वृद्धि और कर दें तो अब 110 का 10% कितना होगा, 11 रुपये, तो 11 बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 121 रुपये हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो चेंज है कि भाई 100 पे 10% का चेंज हुआ, फिर ऊपर से 10% का चेंज और हो गया, तो 100 पे 10% बढ़ा 110, 110 का 10% बढ़ गया तो हो गया 121। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम सक्सेसिव चेंज कहते हैं, क्रमागत परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस पैटर्न हम सवालों को इस पैटर्न पर भी ले सकते हैं, रेशियो पैटर्न पर भी ले सकते हैं, या इन क्वेश्चंस को हम फॉर्मूले के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो बच्चों एक प्रकार तो सवाल को समझने का ये हुआ। इसमें आपको मैं और क्लियर कर दूं कि इसको मैं और ढंग से अगर समझाऊं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरे पास कुछ पैसे थे वो 10% बढ़े, है ना। तो 100% तो संख्या पहले से थी और 10% हमने और बढ़ा दी, तो जो था वो तो है ही, 10% बढ़ा दिया तो उसका कितना हो गया, 110% हो गया। तो नई राशि क्या हो गई, पुरानी राशि का 110%, है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी राशि थी वो 100% तो थी, उसमें 10% की वृद्धि हमने और कर दी, तो वो कितनी हो जाएगी, पुरानी राशि का 110%। और जब 100 का 110% निकालेंगे हम तो बात तो वही आएगी, 110 रुपये, है ना। तो इसको हम इस पैटर्न पर भी समझ सकते हैं। ठीक, एक तरीका एक्स मान के भी इसको बनाया जा सकता है। इसको अगर हम ऐसे समझें कि मान लो मेरे पास एक्स रुपए हैं, पहले 10% की वृद्धि कर दी, तो एक्स रुपए तो है ही, अब 10% बढ़ के कितना हो जाएगा, एक्स का 110%। मान लो फिर मैंने 10% की और वृद्धि कर दी, तो इस राशि को हम 10% बढ़ाएंगे तो ये राशि अपने आप में तो 100% है ही, और 10% और आप बढ़ा रहे हो, तो जो था वह तो रहेगा ही और इसका 110% और हो जाएगा, 100%। ये राशि अपने आप में 100% है और 10% आप इसको बढ़ा रहे हो, तो 100% है, 10% और बढ़ी तो मूल राशि का 110%। इस पैटर्न पे भी हम समझ सकते हैं सवाल को। लेकिन सबसे अच्छा पैटर्न जो है, कभी कभी हमको 100 मान के सवाल करना पड़ेगा, लेकिन इस पैटर्न को हम छोड़ देंगे, लेकिन सबसे अच्छा पैटर्न जो होता है वो रेशियो पैटर्न होता है, जिसको मैं आगे के न्यूमेरिकल में लेके चलने वाला हूँ, उसको भी समझ लेते हैं। कि मान लो कोई संख्या 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, इसका मतलब 10 पर 1 की वृद्धि, इसका मतलब कोई संख्या 10 थी तो वो 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 11। अगली बार फिर ऐसा हुआ, अगर ये संख्या 10 है तो ये 11 होना चाहिए, आप बात समझ रहे हैं, अगर ये 10 है तो 10% बढ़ के 11 होना चाहिए, यहाँ भी 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये संख्या अगर 10 है तो ये बढ़ के होनी चाहिए 11। तो इसको लिखने का ढंग ऐसा होता है कि पहली बार 10 से 11 हो रही है, अगली बार भी 10 से 11 हो रही है, तो यहाँ लिख लेते हैं 10 से 11 और इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब 10 × 10 कितना हो गया, 100, और 11 × 11 कितना हो गया, 121। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल नंबर अगर 100 है तो 2 10-10% के 2 सक्सेसिव चेंज के बाद वो नंबर कितना हो जाएगा, 121, है ना। तो एग्जाम की दृष्टि से ये पैटर्न हमारा बहुत अच्छा है। अब प्रॉब्लम ये है कि कब कौन सा पैटर्न हम अप्लाई करें, तो जब सवाल में परसेंटेज वैल्यू बहुत सिंपल हूँ, जैसे 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, तो हम 100 मान को सवाल आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का 10% या 20% निकालना बहुत सरल होता है। लेकिन यदि
फ्रैक्शन हमारे जो परसेंटेज वैल्यू है वो मिक्स फ्रैक्शन में हो, जैसे 57 1/7%, 57 से 1/7%, तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये मेथड परेशान करेगा। फिर हम अगर रेशियो मेथड से सवाल को लेते हैं तो वो सवाल बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जब परसेंटेज वैल्यू इजी है तो 100 मान के सवाल बना सकते हैं, जब परसेंटेज वैल्यू टफ है तो हम फ्रैक्शन से सवाल को बना सकते हैं। एक बार और इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि वो कहते हैं कि मान लो कोई संख्या 100 है और वो पहले x प्रतिशत बढ़ती है और फिर वो y प्रतिशत बढ़ती है, पहले x प्रतिशत बढ़ती है y प्रतिशत बढ़ती है। तो यहां एक फॉर्मूला होता है जो अक्सर कई किताबों में दिया जाता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि x प्रतिशत की वृद्धि हो और बढ़ी हुई राशि को फिर y परसेंट और बढ़ा दें तो कुल प्रतिशत परिवर्तन जो होता है वो कितना होता है, x परसेंट और y परसेंट के दो सक्सेसिव चेंज के इक्वलेंट, एक चेंज होता है कितना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि 2% परिवर्तन के बराबर 1% परिवर्तन निकालना हो तो इस फॉर्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, यदि मैं 100 रुपये में एक्स प्रतिशत की वृद्धि कर दूं तो नई राशि कितनी हो जाएगी, सबसे पहले हम ये निकालें। आप ये देखिए कि किसी भी राशि में 100 का कितना भी परसेंट निकालो, 100 का एक्स परसेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 100 का एक्स परसेंट निकालोगे तो वो आएगा एक्स। ठीक है, इसका मतलब 100 में एक्स परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं मतलब एक्स की वृद्धि हो रही है तो नई राशि कितनी हो जाएगी, 100 पहले से थी और 100 का एक्स परसेंट यानी एक्स बढ़ के कितना हो गया, 100 प्लस एक्स। अब इसको हम y परसेंट बढ़ाएंगे, जब इसका y परसेंट बढ़ाएंगे तो 100% तो ये अपने आप में है ही, y परसेंट और बढ़ रहा है तो राशि कितनी बढ़ जानी चाहिए, तो वो राशि कितनी बढ़ जानी चाहिए जो है वो तो है ही प्लस y परसेंट और बढ़ जाएगा। तो आप देखिए 100 प्लस x का अगर आप y परसेंट बढ़ाओगे तो कितना होगा, 100 प्लस x इंटू y अपॉन 100। मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा y बचेगा प्लस ये बचेगा एक्स वाई बटे 100। ठीक, तो 100 प्लस x तो पहले से था और बढ़ कितना गया, बढ़ गया y प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बात समझ में आई बच्चों आपको, ये तो ओरिजिनल नंबर पहले से ही था और इसका y परसेंट कितना आ रहा है, y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतने की इसमें वृद्धि हो गई। तो अब आप एक बात सोचिए कि अगर 100 से बढ़कर कोई संख्या 121 हो जाती है तो वृद्धि 21% की होती है कि नहीं होती, भाई 100 पर जितनी वृद्धि हो रही है उतनी प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 100 पर 21 की वृद्धि हो रही है तो हम सीधे बोलेंगे 21% की वृद्धि हो रही है। वैसे ही अगर आप यहां देखें तो 100 पर 100 बढ़कर इतना हो गया तो 100 तो ये है और 100 ये है तो बाकी का जो दिख रहा है वो वृद्धि है, तो 100 पर जितना वृद्धि होगी उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहां पर यदि हम प्रतिशत में वृद्धि निकालें तो वृद्धि कितनी होगी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% की वृद्धि होगी। भाई अगर ये 100 है और ये हमारा कितना है, ये हमारा है 100 प्लस एक्स प्लस y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो 100 तो ओरिजिनल नंबर है ही, बाकी ये जो राशि है ये बढ़ रही है तो 100 पर जितनी वृद्धि होगी प्रतिशत में वृद्धि भी उतनी ही होती है। तो यहाँ एक फॉर्मूला भी आपने को देखने आपको आपको देखने को मिलता है कि यदि x प्रतिशत और y प्रतिशत के दो क्रमागत परिवर्तन हो जाएं तो इस प्रोसेस में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, कुल वृद्धि होती है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 की। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको कई जगह जरूरत पड़ेगी और पिछले क्वेश्चंस में हमने इसको यूज किया भी है। ठीक है, तो इतना बेस पर्याप्त है आपको समझाने के लिए, बाकी फिर न्यूमेरिकल के साथ अपन चीजों को समझते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन है एक श्रमिक का वेतन 10% बढ़ता है और उसके बाद में 5% कम हो जाता है तो उसके वेतन में कितना चेंज होगा, प्रतिशत में हमको निकालना है। देखिए हर सवाल में आपको समझना है कि ये प्रतिशत में परिवर्तन दिए जा रहे हैं ये सक्सेसिव हैं या नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज से बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। यदि मेरी सैलरी बढ़ी और बढ़ी हुई सैलरी फिर से बढ़ गई या घट गई, इसका मतलब बढ़ी हुई राशि में सेकंड चेंज हो रहा है मतलब सक्सेसिव चेंज है। तो प्रश्न में बोला गया है कि मेरा वेतन
पहले 10% बढ़ रहा है, मेरा वेतन 10% पहले बढ़ रहा है और बाद में ये वेतन 5% घट रहा है, तो मेरे वेतन में कितना चेंज होगा ये आपको निकालना है। देखिए मैंने आपको बताया था इन सवालों को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। परसेंटेज वैल्यू इजी है तो 100 मान के भी बन सकता है, परसेंटेज वैल्यू अगर टफ है मिक्स फ्रैक्शन में तो हम रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जब आप देखोगे तो रेशियो मेथड आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो देखिए इसमें अगर 100 मान के सवाल को करें, मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए हैं, पहले वो 10% बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे 110, क्योंकि 100 का 10% अगर आप निकालोगे तो 100 का 10% कितना आएगा, 10 आएगा, सिंपल है। अब 110 रुपए मेरे पास है पहले इंक्रीमेंट के बाद में, उसके बाद मेरी इनकम 5% कम हो गई, अगर इसका 5% निकालते हैं तो इसका 10% कितना होगा 11, तो 5% 5.5, तो 5.5 की आप कमी कर दोगे तो 110 में से 5.5 जाएगा तो बचेगा 104.5, ठीक है। तो जो मेरी इनिशियल स्टेज पे इनकम 100 रुपये थी वो दो सक्सेसिव चेंज के बाद हो गई 104.5, तो यहाँ पर जो वृद्धि है वो कितनी हो गई 4.5%, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 100 पर जितनी वृद्धि होती है उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर हो गया 4.5%। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक अप्रोच से सवाल को समझा, लेकिन यदि इसी सवाल के दूसरे पहलू को देखें, रेशियो से इसको बना के देखें, तो देखिए कितना ईजी हो जाता है। देखो तो पहले 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब अब 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब 10 पर 1 की वृद्धि होगी तो 10% की वृद्धि होगी, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास 10 रुपये थे तो वो 1 बढ़ के कितने हो जाएंगे 11, ठीक। सेकंड में 5% की कमी हो रही है, 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, इसका मतलब 20 पर 1 की कमी 5% की कमी के बराबर है, तो अगर मेरे पास 20 रुपये थे तो उस पर 1 कम हो गए, अब राशि कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। तो देखिए क्या छीन, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर प्रारंभ में 200 रुपये थे तो इन दो चेंजेस के बाद में ये रुपए कितने हो जाएंगे 11,999, बचा 9 और 11 × 11 = 20, 209 रुपये, है ना। अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं कि अगर मेरे पास 200 रुपये हैं उसको पहले 10% बढ़ा दें, फिर बढ़ी हुई राशि को 5% घटा दें तो राशि पहले 10% बढ़ेगी, बढ़ी हुई राशि घटकर कितनी हो जाएगी 209। अब अगर मैं इसमें 100 का 2 का भाग दे दूं तो ये 100 हो जाएगा और 2 का भाग दूंगा तो 104.5। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपये थे तो पहले 10% बढ़ेंगे, फिर 4-5% घटेंगे और ऐसा होने के बाद राशि कितनी हो जाएगी 104.5। तो बेसिक वैल्यू मैंने 100 बना ली, इसका मतलब ये है कि 100 पर 4.5 की वृद्धि। अब मैंने आपको बताया 100 पर जितनी भी वृद्धि होती है फाइनली उतने ही प्रतिशत की वृद्धि होती है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें इन दो चेंजेस के बाद मेरी सैलरी में जो वृद्धि निकालूंगा तो वो कितनी होगी 4.5%, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस सवाल को हम 100 मान के भी कर सकते थे और इस सवाल को हम सेकंड मेथड से कर सकते थे रेशियो के द्वारा, ठीक है, बेस्ट तरीका रेशियो है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, भाषा को पकड़ समझ के आप ये देखिए कि इसमें सक्सेसिव चेंज लगता है या नहीं लगता। तो एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हो गई और फिर 25% की वृद्धि हो गई और फिर 25% की वृद्धि हो गई। तो पहले 30% बढ़ा, बढ़ी हुई राशि 25% कम हुई, फिर घटी हुई राशि 25% बढ़ गई, शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत में हमको निकालना है। नेट चेंज कितना हुआ इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, तो पहले जो नंबर है वो 30% इंक्रीज हो गया, 30% इंक्रीज हो गया, देन डिक्रीज बाय 25%, उसके बाद ये 25% डिक्रीज हुआ, एंड देन फर्दर इंक्रीज बाय 25%, उसके बाद ये फिर 25% बढ़ गया। वट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द नंबर करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, क्वेश्चन आप समझ गए। तो पहले 30% बढ़ रहा है, फिर 25% घट रहा है, फिर 25% घट रहा है। तो देखिए 100 मान कर भी कर सकते हैं और मैंने बताया था आपको कोई फ्रैक्शन से भी बन सकता है। अगर हम इसको फ्रैक्शन से बनाएं, 30% का मतलब होता है 3/10,
25 प्रतिशत का मतलब होता है 1/4, और फिर 25 परसेंट का मतलब 1/4। तो देखो 30 प्रतिशत बढ़ रहा है, मतलब 10 पर 3 की वृद्धि, तो 10 से बढ़कर कितना हो जाना चाहिए 13। फिर 25 परसेंट घट रहा है, इसका मतलब 4 पर 1 की कमी, तो 4 से घटकर राशि कितनी हो जानी चाहिए 3। फिर 25 परसेंट बढ़ रहा है, मतलब 4 पर 1 की वृद्धि, तो 4 से बढ़कर कितना हो जाना चाहिए 5। ठीक है, अब हम देखते हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 × 4 × 4, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 3 × 5। देखिए 5 से इसको काट दीजिए, दो बार कट रहा है, तो 4 × 16 = 32 और 13 × 3 = 39। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास प्रारंभ में 32 रुपये हैं तो इन तीन सक्सेसिव चेंज के बाद वो कितने हो जाते हैं 39। तो यहां पर वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि का प्रतिशत हमको निकालना है, वृद्धि हो रही है 7 की वृद्धि हो रही है 32 पर, तो कितना परसेंट का चेंज हो गया ये हमें निकालना है। 4 से काटते हैं, 4 × 8 = 32 और 4 से काटा 25, 25 × 7 = 175/8। अब आप काट दीजिए तो कितना आएगा, 8 × 2 = 16 और बचा कितना आपका 15, तो 8 × 1 = 8 और 7/8, यानी ये हो गया 21.8 के लगभग आंसर हो गया। आपको बोला गया है कि नियरेस्ट वैल्यू हमको निकालनी है, तो नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 22%। हम लगभग क्या लिख सकते हैं इसको, इसको राउंड अप करके हम क्या लिख सकते हैं, 22%। तो हमारा आंसर हुआ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि एक हवाई अड्डे के रनवे के एक आयताकार हिस्से की मरम्मत की जा रही है, ठीक है, जिसके लिए एक दर ₹8 पर स्क्वायर मीटर के आधार पर अनुमान लगाया गया है, लेकिन काम करते समय जो लंबाई है वो 10%, चौड़ाई 8% बढ़ गई और इसके ऊपर मरम्मत कार्य की जो लागत थी वो 15% की वृद्धि हो गई। मरम्मत की लागत में कुल प्रतिशत की वृद्धि क्या है, ये हमको निकालना है। सवाल को आप बड़े ध्यान से पढ़िए, बढ़िया लैंग्वेज में इसको सवाल को दिया है। ए रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ एन एयरपोर्ट रनवे वाज गेटिंग रिपेयर्ड फॉर विच एन एस्टिमेट वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ए रेट ऑफ ₹8 पर स्क्वायर मीटर। वो कह रहे हैं कि हम ₹8 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम उसको खर्च करते हैं, एक रनवे पर हम काम कर रहे हैं और हमारा जो लागत आती है, जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, ₹8 पर स्क्वायर मीटर हमारी कॉस्ट आती है, ठीक है। आगे बोलते हैं, बट वाइल डूइंग द वर्क द लेंथ ऑफ प्रोपोर्शन गॉट इंक्रीज बाय 10%। लेंथ जो है 10% बढ़ जाती है और विड्थ 8% बढ़ जाती है। तो देखो जो हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट हम निकालते हैं तो क्या होता है, एरिया इनटू स्क्वायर पर मीटर जो हमारा खर्च आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में प्रति वर्ग मीटर जो खर्च हो रहा है उसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। अब आप देखिए सवाल को कितना अच्छा लैंग्वेज में दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं जो लेंथ है वो 10% इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और जो विड्थ है वो 8% इंक्रीज हो रही है, ठीक, और जो हमारा रेट पर स्क्वायर मीटर है वो 15% इंक्रीज हो रहा है। तो हमको बताना है टोटल कॉस्ट में कितने परसेंट का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बच्चों यहां पर एक बात आप देखना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमको ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये सक्सेसिव चेंज है या नहीं है। अगर यहां ये बोला जाता कि मेरी इनकम 10% बढ़ी, फिर बढ़ी हुई इनकम 8% बढ़ी, फिर बढ़ी हुई इनकम 15% बढ़ी, तो यहां भाषा से बिल्कुल स्पष्ट था कि ये जो परिवर्तन है ये सक्सेसिव चेंज है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं लंबाई 10% बढ़ी, चौड़ाई 8% बढ़ी और रेट पर स्क्वायर मीटर 15% बढ़ गई। तो यहां एक बात आप समझ लीजिए बड़े ध्यान से कि यदि बीच में गुणा का निशान है, यदि बीच में गुणा का निशान है और पैरामीटर्स में प्रतिशत में परिवर्तन दिया जा रहा है, तो इन प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप जो एक हमारा रिजल्टेंट परिवर्तन होगा, रिजल्टेंट चेंज होगा, वो
सक्सेसिव नेचर का ही होगा, वो ठीक उतना ही होगा जैसे कि हमें ये मान लें कि मेरी इनकम 10% बढ़ती है, फिर 8% बढ़ती है, फिर उसके ऊपर से 15% और बढ़ती है। मेरी बात समझ में आई आपको? यदि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और पैरामीटर्स में परसेंटेज में चेंज हो रहा है, तो इस चेंज का नेचर कैसा होता है? इस चेंज का नेचर सक्सेसिव चेंज का होता है। तो इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं कि पहले एक संख्या 10% बढ़ती है, फिर बढ़ी हुई संख्या 8% बढ़ती है, फिर बढ़ी हुई संख्या 15% बढ़ती है। बात समझे आप? तो इस सवाल को अब निकालना क्या है हमको कि 10%, 8% और 15% के तीन क्रमागत यानी सक्सेसिव चेंज के इक्वलेंट एक चेंज क्या होगा। तो इन 3% परिवर्तन के बराबर 1% परिवर्तन हमको निकालना है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको 100 मानकर करें या आप रेशियो से भी कर सकते हैं। तो रेशियो से करते हैं। देखिए 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि। 8% का मतलब क्या होता है? 4 से काटेंगे तो 4 × 2 = 8 और 4 से नीचे काटेंगे तो 25, 25 पर 2 की वृद्धि, ठीक है। अच्छा 15% का मतलब 5 × 3 = 15 और नीचे 100 को काटेंगे 5 से तो 20 बार, तो 20 पर 3 की वृद्धि। तो हम बोल सकते हैं कि लंबाई हमारी 10 से बढ़ के हो गई 11, चौड़ाई हमारी 25 से बढ़कर हो गई 27 और हमारी जो खर्च था रेट पर स्क्वायर मीटर था वो 20 से बढ़कर हो गया 23, ठीक है, क्लियर। अब यहां आपस में तो कुछ कट नहीं रहा है इसलिए इनका गुणा कर लेते हैं, 25 × 50 और 2 जीरो, तो ये कितना हो गया? 5000 हो गया। अब आप जरा 11, 27 और 23 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि राशि कितनी आ रही है। 11, 27 और 23 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं राशि कितनी आती है। तो सबसे पहले 27 और 23 का गुणा कर लेते हैं, 27 और 23 का, 7 × 3 = 21, 2 बच रहा है और 7 × 2 = 14 और 2 = 16, ठीक है। फिर 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, 1 = 12, 5 + 1 = 6। अब 621 में 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22 और 1 × 23 = 3, 2, 11 × 6 = 66 और 66 × 2 = 28, 66 × 2 = 68, कितना हुआ? ये आ रहा है आपका 6831। इनका मल्टीप्लाई करने पर 6831, इसका मल्टीप्लाई करने 5000। तो अब आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मेरे पास 5000 रुपये हैं, पहले 10% बढ़ाऊं उनको, फिर 8% बढ़ाऊं, बड़ी हुई राशि 15% बढ़ाऊं, तो बढ़ के कितने हो जाएंगे? वो 6831 हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बेसिक नंबर 100 होता और उस पर जो इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज परसेंट हमको डायरेक्ट पता लग जाता तो कोई बात नहीं, हम एक जीरो हटाएंगे तो एक डेसिमल बन जाएगा। तो इसको 500 लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 683.1। 5 का भाग इसमें दे दे, 5 का इसमें, 5 का जब इसमें भाग देंगे तो ये 100 हो जाएगा। और 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, तो कितना हो गया? ये हो गया 136.62। तो आप देखिए अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो इन 3 सक्सेसिव चेंज के बाद वो कितने हो जाते हैं? 136.62, यानी यहां पर वृद्धि अगर मैं निकालूं तो यहां पर वृद्धि कितनी आ रही है? यहां पर वृद्धि आ रही है 36.62% की, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 36.62% बढ़ जाएगी। क्वेश्चन, रमेश अपनी कुल जमा पूंजी का 20% खो देता है और शेष धन का 25% खर्च करने पर उसके पास 480 रुपये बचते हैं। देखिए पिछले जो 3 प्रश्न हमने पढ़े उसमें चेंज दिए हैं सक्सेसिव चेंज, और उन चेंजेस के फल स्वरूप रिजल्टेंट चेंज कितना है, कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना था, वो हमने निकाला पिछले 3 क्वेश्चन में। अब या तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू निकालनी है या फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू निकालनी है। जैसे इस सवाल में क्या बोला कि रमेश लॉसेस 20% ऑफ हिज पॉकेट मनी, रमेश ने 20% पॉकेट मनी खो दी, कम हो गया उसका पैसा, और आगे आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर, उसके बाद शेष राशि का 25% उसने और खर्च कर दिया। ही हैज रुपीज 480 लेफ्ट, उसके पास बचते कितने हैं? उसके पास 480 रुपए बचते हैं। तो व्हाट
वाज हिज पॉकेट मनी, उसकी पॉकेट मनी कितनी थी। क्वेश्चन क्या है, मेरे पास कुछ पैसा है, उसका 20% मैं खो देता हूं, फिर शेष बचे पैसे का 25% मैं खर्च कर देता हूं, तो ऐसा करने के बाद मेरे पास बचते हैं 480 रुपये। तो प्रारंभ में मेरे पास क्या राशि थी, ये आपको निकालना है। फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछिए। सक्सेसिव चेंज है, तो सक्सेसिव चेंज है तो हम एक्स मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो तरीका बहुत अच्छा है। देखिए 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, इसका मतलब 5 पर 1 की कमी, और 25% का मतलब होता है 1/4, इसका मतलब 4 पर 1 की कमी। तो मेरे पास 5 रुपये थे, वो हो जाएंगे घट के 4, और मेरे पास सेकंड केस में अगर 4 रुपये थे तो वो घट के हो जाएंगे 3। ठीक, अब देखिए जब आप इनका मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालोगे, मैं लिख देता हूं 5 × 4 और 4 × 3, तो 4 से 4 कट जाएगा। हम डायरेक्ट भी 4 से 4 यहां काट सकते थे और रेशियो हमारा क्या बन सकता था, 5:3। तो 5:3, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास शुरू में 5 रुपये थे तो मैं पहले उसको उसका 20% खो देता हूं, फिर शेष बचे धन का 25% खर्च कर देता हूं, तो बचेंगे कितने, 3। अब आप न्यूमेरिकल के हिसाब से देखिए कि 5 रुपये में से घटते घटते 3 रुपये बचे, वास्तव में हमारे पास बच कितने रहे, 480। तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 480 रुपये। तो 3 16 3 48 कितना हो गया, 160 गुना। तो हमें निकालना है प्रारंभ में हमारे पास पैसा कितना था, 5 की प्रॉपर वैल्यू हमको निकालनी है, तो 160 गुना कर दें तो 16 × 5 = 80, यानी आंसर कितना होगा, आंसर होगा हमारा 800 रुपये। अगला प्रश्न बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% खो देता है और शेष का 70% खर्च कर देने के पास 200 रुपये बचते, 210 रुपये बचते हैं। सेम पिछला क्वेश्चन, उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। अ मैन लॉसेस ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंड इन मैन लॉसेस ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ द रिमाइंडर ही इज लेफ्ट रुपीज 210। ठीक है, तो वो कह रहे हैं एक व्यक्ति ने 12.5% खो दिया पैसा। सबसे पहले 12.5% पैसा हमारा कम हो गया और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट का 70% हमने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर हमारा हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, स्पेंड कर दिया हमने, बचते कितने हमारे पास, बचते हमारे 210 रुपीज, बचते हमारे 210। तो देखो पहले 12.5% पैसा कम हुआ, फिर बचे हुए पैसे का 70% खर्च हो गया, खर्च होने का मतलब भी कम होना ही हुआ है, और ऐसा करने के बाद बचता कितना है हमारे पास, 710। तो आपको बताना है कि इनिशियली उस व्यक्ति के पास कितना पैसा था। तो आपको पता है कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8, यानी 8 पे 1 की कमी, यानी 8 से घट के कितना हो जाएगा पैसा, 7। अच्छा 70% का फ्रैक्शन कितना होता है, 7/10, यानी 10 पर 7 की कमी कर दें तो 10 से पैसा कितना हो जाएगा, 3 घटकर, 10 में से 7 कम हो जाएंगे 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यदि शुरू में 80 रुपये थे तो अब इन दो चेंज के बाद मेरे पास रुपए कितने होंगे, 21। अब फाइनली मेरे पास हैं कितने, 210। यहां एक बात ध्यान रखना, ये हमारे पास प्रारंभिक राशि है या हमारी इनकम बोल सकते हैं, और ये हमारा बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ पैसा है, खर्च हुआ नहीं है। अगर हम ये पूछे खर्च कितना हो गया तो इनका अंतर जो है वो खर्च हुआ है। हमारे पास 80 में से बच कितने रहे, 80 में से हमारे पास बच रहे हैं 21 रुपए, 8 में से 7 बच रहे हैं क्योंकि 8 में से 1 खर्च हुआ है, तो 8 में से 7 बच रहे हैं, 10 में से 3 बच रहे हैं, तो 80 में से 21 बच रहे हैं। अब बचे कितने हमारे पास, 210 है, तो 21 का मतलब कितना हो गया, 210 रुपए, 10 गुना हुआ, तो 800 का मतलब क्या होगा, यही तो निकालना है हमको। तो 80 का मतलब क्या होगा, 80 का मतलब होगा 800 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, प्रारंभ में 800 रुपए की राशि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देखिए क्वेश्चन का लॉजिक हर क्वेश्चन का सेम है, केवल लैंग्वेज बदलती जा रही है। तो लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन जो है वो बोलते हैं कि एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, पॉपुलेशन एक सिटी की कितनी है, 8,000। पहले साल में 10% पॉपुलेशन बढ़ी, पहले साल में 10% पॉपुलेशन बढ़ी, और दूसरे साल में 20% पॉपुलेशन बढ़ी, सेकेंड ईयर में 20% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो 2 वर्ष के बाद में अब पॉपुलेशन क्या होगी। तो 2 साल इन 8,000 रुपये पे पहले 10%, 8,000 पॉपुलेशन थी, पहले 10% की वृद्धि हुई,
फिर बढ़ी हुई जनसंख्या 20% बढ़ी, अब पॉपुलेशन क्या है, तो यहाँ भी सक्सेसिव चेंज है। ठीक, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इन द टाउन इज 8,000 देन द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स विल बी। तो इनिशियल वैल्यू दे रखी है और फाइनल वैल्यू पूछी है और सक्सेसिव चेंज है। तो आप यहां पर 100 नहीं मानते, 8,000 मानकर भी सवाल कर सकते थे, लेकिन रेशियो मेथड हम लगाते हैं। तो 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5। वृद्धि है तो 10 पर 1 की वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि, तो 10 से बढ़ के पॉपुलेशन हो जाएगी 11 और 5 से बढ़ के पॉपुलेशन हो जाएगी 6। तो इस प्रकार से अगर पॉपुलेशन 50 है तो पॉपुलेशन हो जाएगी 17। तो पहले अगर पॉपुलेशन 50 है तो बाद में कितनी हो जाएगी, सॉरी 66, बाद में कितनी हो जाएगी 66। आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। अब देखिए यहां 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां 50 की वैल्यू दे रखी है 8,000, 50 की वैल्यू दे रखी है 8,000, कितना गुना होगा, 0 से 1, 0 काट दो और 160 गुना होगा। तो 66 की वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है। तो अगर मैं 66 में 160 का भाग गुणा करूं 0, तो 16 6 96 9 और 16 6 96 96 और 9 कितना होगा 185। तो आंसर कितना होगा, ये वैल्यू हो जाएगी 10,560, आंसर होगा 10,560। तो अगर आज 8,000 लोग हैं शहर में तो अगले साल 10% बढ़े, उसके अगले साल 20% बढ़े, तो अब नई पॉपुलेशन हमारी कितनी होगी, नई पॉपुलेशन होगी हमारी 10,560। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या में पहले साल 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है, पहले साल 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है, लेकिन दूसरे साल में 37.5% की कमी होती है और तीसरे साल में 57.7% की वृद्धि होती है। प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालना है, यदि 3 साल पहले की पॉपुलेशन हमको दी है 2,75,000, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 16.3% इन द फर्स्ट ईयर, डिक्रीज 37.5% इन सेकेंड ईयर एंड इंक्रीज 57.7% इन थर्ड ईयर, देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है ये हमको निकालना है, जबकि हमको क्या बोलते हैं आज की पॉपुलेशन कितनी है, आज की पॉपुलेशन है 275, आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन विल बिकम 275,000। तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या हमको दी है और वर्तमान की जनसंख्या हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर अब आपको क्या किया, सवाल तो वही है लेकिन फ्रैक्शंस जो हमको दिए हैं वो मिक्स फ्रैक्शन दे दिए, सवाल को थोड़ा टफ बनाने की कोशिश किया। तो आप देखिए 16 से ही 2/3% का मतलब क्या जानते हैं, 1/6, 37.5 का मतलब क्या होता है 3/8 और 57.7% का परसेंट का मतलब होता है 4/7। इसकी हम पर्याप्त प्रैक्टिस शुरुआत के वीडियोस में कर चुके हैं, फिर भी आपको इसमें दिक्कत रहती है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कैसे, 16 3 48 2 50/3 और प्रतिशत का 1/100, 5 से काटोगे 2 कितना आ गया 1/6। 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो 37 × 74 और 1 75/2 और प्रतिशत का 1/100, 25 × 3 = 75, 25 × 100 तो कितना आ गया 3/8। 57 से 1/7 तो 7 × 49 और 1 50 = 0, 5 × 7 = 35 और 5 = 40/7 और प्रतिशत का 1/100 तो कितना हुआ 4/7। तो अगर आपको परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो आप ढंग से देखा होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको याद हो जाएंगे, नंबर्स ये कई बार आए हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, याद हो जाना चाहिए थे, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप फ्रैक्शन सॉल्व करके भी इनको बना सकते हैं। तो आप देखें कि 6 पर 1 की वृद्धि, तो 6 से बढ़ के राशि हो गई 7, 8 पर 3 की कमी तो 8 से घट के राशि कितनी हो गई 5 और 7 पर 4 की वृद्धि तो 7 से बढ़ के राशि कितनी हो गई 11।
इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें, रेशियो निकाल दें। तो डायरेक्ट भी देखिए सात से सात तो कट ही रहे, ठीक है, बाकी पाँच छः छः आठ में कुछ कॉमन नहीं है, तो छः आठ अड़तालीस और ग्यारह पाँच पचपन। तो यदि पॉपुलेशन इनिशियली 48 थी तो इन तीन सक्सेसिव चेंज के बाद में हमारी पॉपुलेशन फाइनल आज तीन साल बाद की पॉपुलेशन कितनी होना चाहिए, 55। अब तीन साल बाद की पॉपुलेशन कितनी दी है, 27500, और हमें बताना है प्रारंभ की पॉपुलेशन क्या है, इनिशियल पॉप। तो देखिए 11 5 से 11 5 55 और 11 दूनी और 11 और 11 5 55 और 11 दूनी 22 और 11 5 55 और दो 5 से काट लोगे तो कितना हो गया 500। इसका मतलब ये कितना गुना हो रहा है, ये 500 गुना हो रहा है। तो इसको भी अगर आप 500 गुना करेंगे तो 48 5 120, तो कितना 48 इंटू 5 24, 24 2 40 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,000। इसका मतलब इनिशियली जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो 24,000, 27,500 था न्यूमेरिकल में, एक जीरो का कुछ गड़बड़ हुआ है। दो लाख 75,000, एक जीरो का गड़बड़ हुआ है, तो ये 5,000 होगा, 5,000 गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000। तो आंसर होगा हमारा इसमें 2,40,000। तो आंसर हुआ इसका 2,40,000। तो सवाल में कंसेप्ट आपके बन गए होंगे, हमको केवल लैंग्वेज पढ़कर ये देखना है कि न्यूमेरिकल सक्सेसिव चेंज का है या नहीं है। अगर है तो आप रेशियो से उस सवाल को बहुत तेजी से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आप एक्स मान के करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आप बढ़ा लोगे, फ्रैक्शन जितना आपको तेजी से याद होंगे उतना जल्दी ऐसे सवाल बनेंगे। ये रिसेंटली दो तीन साल से इस तरह की फिगर्स हमको एग्जाम में देखने को मिलने लगी हैं, तो ऐसी वैल्यूज हमको हमारे ग्रिप में होनी चाहिए और याद होनी चाहिए और प्रैक्टिस से याद होती भी जाएंगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज ईच ईयर बाय 4%, एक शहर की जनसंख्या हर साल 4% बढ़ती है, ऑफ इट्स टोटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑन 1 जनवरी 2001 वाज 5 लैक्स, व्हाट वाज इट ऑन 1 जनवरी 2004। वो कह रहे हैं कि 2001 जनवरी 2001 में, 2001 के पहले दिन जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 5 लाख है, वो 5 लाख है। और वो कहते हैं कि पहली जनवरी 2004 को पॉपुलेशन क्या होगी। पहले तो आप ये मत सोचना कि ये 4 साल का गैप है, एक कंफ्यूजन हो सकता है, ये गैप एक्चुअली 3 साल का है। देखिए 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी 2001 से अगर चलेंगे तो पूरा 2001 कंज्यूम हो जाएगा, तो पूरा 2001, पूरा 2002 और पूरा 2003, उसके बाद आएगा 2004। तो हमें बात कब की करनी है, 1 जनवरी 2004 की। इसका मतलब 2004 पूरा साल की बात नहीं करनी, हम 2004 के पहले साल में, तो 1 साल 2 साल और 3 साल, 3 साल बाद की पॉपुलेशन क्या होगी ये हमको निकालना है। ये बात समझ में आई आपको, यहाँ आप ये मत समझना 2004 पूरा ले लिया, हमने 2001 पूरा लिया, 2002 पूरा ले लिया, 2003, जैसे ही 2003 पूरे होंगे हमारा डेट क्या आएगा, 1 जनवरी आएगा, तो 2003 पूरे होने के बाद में हमारी पॉपुलेशन क्या होगी ये हमको बताना है। अच्छा, ग्रोथ कितना है, ग्रोथ इस क्वेश्चन में दिया है 4% का, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 पर 1 की वृद्धि, तो इसका मतलब ये हुआ 25 से बढ़ के 26 पॉपुलेशन हो गई 2001 में, फिर 2002 में भी यही होगा और फिर 2003 में भी यही होगा। अब आप देखिए कितना आ रहा है, यहां पर हुआ 25 × 25 × 25 और यहां हुआ 26 26 और 26। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया, मल्टीप्लाई आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और इसका कोई तरीका है नहीं। अच्छा, इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 5 लाख, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 लाख, और हमें इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करते हैं पहले, तो 25 से इसको अगर काटें तो 25 दूनी 50, दो बार कट गया और 4 जीरो बच रही हैं,
फिर 25 अट्ठे 200, फिर ये 200 कट गया 8 बार, फिर दो जीरो बच रही हैं, फिर 25 से काटेंगे तो 25 3 75 और 5 बचा, और 25 दूनी 50, 32 बार कट गया। इसका मतलब ये 32 गुना हुआ, तो इसको भी जब हम 32 गुना करेंगे तो 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 32 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया। इसका जहाँ तक आंसर है, पहला ऑप्शन है ये, आप मल्टीप्लाई करके देखना, 562432 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत टाइम लग गया, इसका आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करो या 26 का क्यूब निकालो। तो मैंने आपको 26 का क्यूब निकालना भी सिखाया है, आप शुरुआत के वीडियोज में जाना, तेजी से 26 का क्यूब निकाल सकते हैं। अब मैं वो चीज़ें द्वारा नहीं समझा रहा हूँ, आप वीडियोस देख लेना एक बार। तो 26 का क्यूब बहुत तेजी से आप निकाल सकते हो, उसमें 32 का मल्टीप्लाई करना है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से सवाल को उठाना हो, तो ऑप्शन से जब आप सवाल को उठाओगे तो आप देखो कहीं ना कहीं ये 13 इंटू 2 और ये 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 होता है। तो आप एक रूल अगर आपको याद है तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, किसी भी संख्या के लास्ट 4 डिजिट्स में अगर 16 का भाग जाता है तो पूरी संख्या 16 से कटने वाली होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप 16 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे तब भी आंसर को पकड़ पाएंगे। आप देखिए इसके लास्ट चार डिजिट क्या है, 2432, और 2432 में क्या 16 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जाएगा। और बाकी के ऑप्शन जब आप चेक करोगे तो बाकी के और चार जो ऑप्शन हैं, तीन ऑप्शन जो है उसमें 16 से पूरी तरह भाग नहीं जाएगा। तो आप 16 के डिविजिबिलिटी रूल से भी ऑप्शन को आप जज कर सकते थे कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन डायरेक्ट करना है तो मैंने आपको 26 का क्यूब निकालना सिखाया था, आप एक बार भूल गए हो तो दोबारा से उस क्यूब वाले वीडियो को पढ़ लेना, और 26 का क्यूब निकाल के 32 का मल्टीप्लाई करना है। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, 15 सेकंड में ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट, एक मशीन का मूल्य 6,250 रुपये है, पहले साल 10% की, दूसरे साल 20% और तीसरे साल 30% की कमी होती है। तो कहते हैं अगले क्वेश्चन में कि 6,250 प्रेजेंट वैल्यू है, पहले साल मूल्य इसका 10% गिरा, दूसरे साल इसका मूल्य 20% गिरा और तीसरे साल इसका मूल्य 30% गिरा, और 3 साल के बाद में इसका मूल्य क्या होगा ये हमें निकालना है। The value of a machine is ₹6,250. It decreases by 10% during the first year, 20% during the second year and 30% during the third year. What will be the value of machine after 3 years? Successive change है या नहीं? एक वस्तु है 6,250 की, पहले 10% कम कर दो मूल्य इसका, घटे हुए मूल्य को 20% कम कर दो, फिर घटे हुए मूल्य को 30% कम कर दो। अब घटते 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 मूल्य क्या हो जाएगा? तो सवाल की भाषा को पढ़ के ही समझ में आता है कि सक्सेसिव चेंज है। तो भैया आप देखिए 10% का मतलब 1/10, तो 10 पर 1 की कमी, तो 10 से घट के मूल्य 9 हो जाएगा। 20% का मतलब 1/5, तो 5 पर 1 की कमी, तो 5 से घट के 4 हो जाएगा। और 30% का मतलब 3/10, तो 10 से घटकर कितना हो जाएगा, 10 से घटकर 7 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ कॉमन आ रहा है तो आप काट भी सकते हैं, 4 है तो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी, तो मैं यहाँ 2 से 5 इसको काट देता हूँ, एक बार 2, फिर 2 से 5 इसको काट देता हूँ, कितना हो गया, 5 × 5 × 5 = 125, तो 125, और ये कितना हो गया, 9,763 यानी 63। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियली वस्तु 125 की थी तो इन 3 सक्सेसिव चेंज के बाद वस्तु का मूल्य घटकर 63 हो जाएगा। अब इनिशियली वस्तु थी कितने की, 6,250 की, तो इसकी जो वैल्यू है वो है 6,250, कितना गुना है, 125 से कितना गुना है, ये 125 से 6 गुना है, या आप आराम से काटें 25 × 25 और 25 का 25 ये हो गया, 5 से काटोगे तो कितना आ गया, 5 × 50, तो ये कितना गुना हो गया, ये हो गया 50 टाइम्स हो गया, ये कितना हो गया 50 टाइम्स, तो इसका 50 टाइम्स हमको निकालना है। तो 63 × 50 निकालोगे तो 0, 5, 3, 15, 1, 5, 6, 30 और 1, 31, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3150। तो क्वेश्चन का आंसर हुआ वस्तु की कीमत घटकर हो जाएगी 3150। अगला क्वेश्चन,
पहले 2 घंटों में रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं 10% प्रति घंटे से बढ़ती हैं, अगले 1 घंटे में 10% कम हो जाती हैं, उसके अगले घंटे में कांस्टेंट रहती हैं, स्थिर रहती हैं, और फिर अगले घंटों में 5% प्रति घंटे तक बढ़ती हैं। यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की मूल गिनती 40,000 हो तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं की गणना करें। बहुत अच्छा सवाल है और लैंग्वेज को बहुत चेंज किया है ना। द रेड ब्लड सेल इन ब्लड सैंपल ग्रोज बाय 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर्स। पहले 2 घंटों में 10%, पहले घंटे में 10% बढ़ी और दूसरे घंटे में भी 10% बढ़ी। तो पहले घंटे में 10% और दूसरे घंटे में भी 10% बढ़ रही है। इन फर्स्ट वर्थ डिक्रीजेस बाय 10% एंड इन नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 घंटे में वो 10% की दर से लाल रक्त कोशिकाएं घटती हैं। रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उसके बाद कॉन्स्टेंट रहती हैं, कॉन्स्टेंट रहती हैं तो उसको तो लिखो या ना लिखो कोई मतलब ही नहीं, जितनी थी उतनी है। ठीक है, आगे कितने घंटे हो गए, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटे, बचे कितने, 2 घंटे। ठीक है, एंड अगेन इंक्रीजेस बाय 5% पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर्स, अगले 2 घंटों में किस हिसाब से बढ़ रही है, 5% बढ़ी और फिर 5% बढ़ी। तो ये हुई कहानी हो गई। तो पहले घंटे में 10% लाल कोशिकाएं बढ़ती हैं, फिर अगले घंटे में फिर 10%, फिर 10% कम होती हैं, फिर अगले घंटे में कांस्टेंट रहती हैं, फिर अगले 2 घंटों में 5% 5% के हिसाब से बढ़ती हैं। प्रारंभ में ये कितनी थी, 40,000 थी, तो लास्ट में कितनी होंगी, प्रारंभ में ये 40,000 थी तो लास्ट में ये कितनी होंगी, ये हमको निकालना है। तो सवाल की भाषा को खूब घुमाया उन्होंने, लेकिन है तो सक्सेसिव चेंज। तो अगर आप देखो 10% का मतलब क्या हुआ, 10 से बढ़ के कितनी हो गई 11, फिर 10 से बढ़ के कितनी हो गई 11, फिर घट रही है तो 10% 10 से हो गई 9। कॉन्स्टेंट है तो चाहो तो 1:1 लिख लो आप, या नहीं भी लिखो। 5% बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है तो 5% बढ़ रही है तो क्या हो जाएगी, 20 से 21, और फिर 5% बढ़ रही है तो 20 से 21। ठीक, अब आप देखिए कितना हो गया, ये हो गया 20 × 20 400, और 3 जीरो ये, तो ये हो गई 3 जीरो आपकी। ठीक है, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो 4। ठीक है, तो 0 हो गई 5। अच्छा, अब ये बड़ा उठपटांग वैल्यूज आ गया, तो 11 × 11 तो 121 हो गया, और 121 × 9 तो 121 × 9 तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 10, 1089। उसमें 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 21 का स्क्वायर होता है 441 का, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं, करना ही पड़ेगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, सोचते नहीं है। 4 × 9 = 36, 3, 4 × 8 = 32 और 3 = 35 का पूरा 35, 4 × 1 = 4, और अगेन ये रिपीट हो जाएगा 6 × 5 = 3 = 4। तो कितना आ रहा है, 9 × 8 = 6 = 14, 5 × 6 = 11 और 1 = 12, 2 × 1 = 5 और 3 = 8 और 1 = 9 और 1 = 10 का 0 × 4 = 3 = 7 × 8 = 4। तो कितना आ गया, ये आ गया 480249। तो अब हमें बताना है कि 40,000 अगर ये है, लेकिन हमको यहाँ दिया है 1 जीरो ज़्यादा, तो 1 जीरो कम करोगे तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो 480241 होना चाहिए, और 480241। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा आंसर इसके लगभग क्या आ रहा है, हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है, 480251, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के लॉकर में 4800 रुपये 2 वर्ष के लिए थे, तो मैंने लॉकर में 4800 रुपये जमा किए। पहले वर्ष में उसने राशि का 20% जमा किया, जो राशि थी उसका 20% हमने और जमा कर दिया, और दूसरे वर्ष में उसने बड़ी हुई राशि का 25% और जमा कर दिया, 25% हमने और जमा कर दिया। तो पहले हमने 20% जमा किया, फिर बड़ी हुई राशि का भी 25% और जमा कर दिया, तो वर्तमान में उसकी राशि कितनी है, अब राशि कितनी है, ये हमको निकालना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हुआ है ना। तो 20% का मतलब होता है 1/5,
और 25% का मतलब 1/4, तो वृद्धि कर रहे हैं तो भाई 5 से बढ़कर राशि 6 हो जाएगी, और 25% वृद्धि का मतलब है 4 से बढ़ के राशि 5 हो जाएगी। आप रेशियो निकालोगे, 5 से 5 कट जाएगा, 4 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 2 और 2 दिए कितना हो गया 2:3। इसका मतलब अगर प्रारंभ में राशि 2 थी तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 2 चेंज किया 3। अब प्रारंभ में राशि थी कितनी, प्रारंभ में राशि थी 4800, तो कितना गुना हो गया, ये हो गया 24 दूनी 48, 2400 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 2400 गुना कर देंगे तो 24 3 72, तो आंसर हो जाएगा 7200। इसका मतलब इन दो चेंज के बाद हमारे लॉकर में 7200 रुपए होंगे। अगला क्वेश्चन लें, इसी कंसेप्ट पर आधारित है और मुझे लगता है आप सभी लोग इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आप अपने आप भी बना सकते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत 10-10 15-15 सेकंड के क्वेश्चन हैं अब आपके लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक लाइब्रेरी में, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी की हैं, 20% पुस्तक हिंदी की हैं, ठीक है, शेष पुस्तक मतलब हमने इन 20% पुस्तकों को निकाल दिया, तो हमने क्या किया, लाइब्रेरी से 20% किताबों को माइनस कर दिया, हटा दिया। अब जो बची हुई पुस्तक हैं उनमें 50% इंग्लिश की पुस्तक हैं और 50%, ठीक है, अब इन 50% को भी हम शेष का 50% को हटा दें तो जो बची हैं उसमें 30% फ्रेंच भाषा की पुस्तकें हैं, ठीक है, इस 50% को हटा दें तो जो शेष बच रही हैं उसका 30% फ्रेंच भाषा की हैं, और इसको भी हम हटा दें तो जो पुस्तकें बचती हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस की हैं, क्षेत्रीय भाषाओं की हैं, और कितनी है 6300। तो आप क्वेश्चन को जरा समझिए, भाषा को घुमा रहे हैं, वो कह रहे हैं एक लाइब्रेरी में 20% जो किताबें हैं वो हिंदी की हैं, अगर इन किताबों को हटा दें, कम कर दें, 20% कम कर दें लाइब्रेरी की बुक्स का, तो जो बचता है उसका 50% इंग्लिश की है, और जो बची हुई किताबों का 50% भी कम कर दें तो जो बची किताब वो क्या है, वो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस की किताबें 30%, और शेष का 30% कम कर देते हैं तो जो 30% जो किताबें हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज की हैं और इनको भी हटा देते हैं तो जो किताबें बचती हैं वो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस की हैं, कितनी 6300 है। तो पहले हमने लाइब्रेरी में से 20% किताबों को हटा दिया, बची हुई किताबों का फिर 50% हटा दिया, फिर बची हुई किताबों का 30% और कम कर दिया, तो किताबें कितनी बचती हैं 6300 बचती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको सक्सेसिव चेंज नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइब्रेरी में पहले 20% किताबें कम की, फिर घटी हुई किताबों का 50% और कम किया, फिर घटी हुई किताबों का 30% और कम किया, तो बची कितनी 6300। तो हमको बताना है लाइब्रेरी में शुरुआत में कितनी किताबें थी, तो सक्सेसिव बिहेवियर हमको नजर आ रहा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, 50% का मतलब होता है 1/2, और 30% का मतलब होता है 3/10, कमी हो रही है इस बार। तो पहले अगर 5 किताब थी तो 4 रह जाएंगी, फिर 2 थी तो 1 रह जाएगी, और 10 थी तो रह जाएंगी 7। इसका मतलब 5 × 10 × 10 100 किताब शुरुआत में थी तो अब 700 कितनी रह जाएंगी 28। अब आप देखिए 28 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 6300 दे रखी है, और हमको बताना है कि 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 7 × 28 7 × 63, ठीक है, 7 से काटते हैं तो 7 × 28 7 × 63, और 4 से इसको काटें तो 4 × 2 = 8 10 बचा 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, यानी कि संख्या कितना गुना हो रही है 225 गुना। तो अगर 100 को भी हम 225 गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 225 00, यानी लाइब्रेरी में किताबों की संख्या कितनी हो गई, लाइब्रेरी में किताबों की संख्या शुरुआत में थी 22500। तो ध्यान दीजिए, लैंग्वेज को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया है लेकिन है ये सक्सेसिव चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 25% प्रॉफिट एंड द होलसेलर सेल्स इट टू रिटेलर एट 20% प्रॉफिट एंड द रिटेलर सोल्ड इट टू कस्टमर एट 28% प्रॉफिट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरर इफ द कस्टमर परचेज इट एट ₹48।
क्वेश्चन में है कि एक वस्तु निर्माता मैन्युफैक्चरर है ना, एक सामान को 25% लाभ पर बेचता है। देखिए क्या होता है कि फैक्ट्री से सामान कहाँ जाता है, होलसेलर पर, होलसेलर से सामान कहाँ जाता है, रिटेलर पे, और रिटेलर से सामान कहाँ जाता है, कंज्यूमर पर, और हर प्रोसेस में वस्तु की कीमत कुछ ना कुछ बढ़ती जाती है। वो कह रहे हैं फैक्ट्री में एक उत्पाद बना, सबसे पहले फैक्ट्री के मालिक ने उसको 25% लाभ पर रिटेलर को, होलसेलर को बेच दिया। इसका मतलब वस्तु का कीमत पहले डीलिंग में 25% बढ़ गया। फिर जो थोक विक्रेता है उसने 20% मूल्य बढ़ाकर उसको दुकानदार को बेच दिया, रिटेलर को बेच दिया, और रिटेलर ने 28% फिर मूल्य बढ़ाकर उसको बेच दिया, किसे, ग्राहक को बेच दिया। ठीक, और जब उस सामान को फाइनली बेच रहा है तो वो बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है 48 रुपए में। तो आपको बताना है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी निर्माण लागत क्या है, उसकी इनिशियल प्राइस क्या है। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी सवाल की भाषा को कुछ भी कर दें लेकिन है तो सक्सेसिव चेंज। पहले एक वस्तु थी, उसका मूल्य 25% बढ़ा, बढ़ा हुआ मूल्य 20% बढ़ा, फिर बढ़ा हुआ मूल्य 28% बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते अंतिम मूल्य हो गया 48। तो इनिशियल कॉस्ट क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या है, ये हमको निकालना है। तो 25% बढ़ा, तो 25% बढ़ा, तो 25% का मतलब 1/4, 4 पर 1 की वृद्धि। फिर 20% बढ़ा, तो 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि। फिर 28% बढ़ा, तो 4 × 7 = 28 और 4 × 25, 25 से बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, तो आप यहां देखो कि 4 से मूल्य 5 हुआ, 5 से मूल्य 6 हुआ, और 25 से मूल्य 25 से 7 बढ़कर कितना हो गया, 32। चेंज कितना हुआ, अब आप इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करो, तो आप देखो 5 से तो 5 काट दीजिए, ठीक है, 4 से ये 8 बार कट रहा है, 4 × 8 = 32। तो ये अगर 25 रुपए की वस्तु है तो अंत में कितने की हो गई, 48 की। अच्छा लास्ट में 48 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48 ही तो दे रखी है हमको, है ना। तो सेम 1 गुना हो रहा है, तो 25 का मूल्य भी कितना होगा, 25 का मूल्य होगा 25 रुपए। इसका मतलब जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो है 25 रुपीज। अगला क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चंस मैं आपको वही करा रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं, टाइप्स पूरे कवर कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में 8% की वृद्धि हुई, बाद में नई कीमत में 8% की कमी हुई, अब वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था, प्रारंभिक कीमत क्या था, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड बाय रुपीज बाय 8%, लेटर द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय 8%, नाउ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1 रुपीज, देन द ओरिजिनल प्राइस वाज। ठीक, क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, वो कह रहे हैं कि एक वस्तु की कीमत मान लो पी है, तो पहले वो 8% बढ़ती है, फिर वो 8% घटती है, और बढ़ते घटते हमारे लास्ट में वैल्यू हो जाती है 1 रुपए। तो पहली वाली वैल्यू क्या है, इनिशियल प्राइस क्या है, ये हमको निकालना है। तो हम जितने भी सवाल कर रहे थे वो इसी ढंग के थे, लेकिन हमको परसेंटेज वैल्यू हमको पता थी, इस बार हमको परसेंटेज वैल्यू हमको नहीं मालूम। फाइनल वैल्यू एक तरह की दे रखी है, इनिशियल वैल्यू हमको निकालनी है। तो इस सवाल को हम कैसे भी बना सकते हैं, अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप इसको रेशियो से बनाओ तो रेशियो से भी बनेगा ये, और यदि आप प्रॉपर वे में जाओ तो प्रॉपर भी बनेगा। तो अगर मैं रेशियो से इस सवाल को बनाता हूं तो 8% का मतलब क्या होता है, 8/100, तो 100 पर आर की वृद्धि हो जाएगी। तो अगर मेरे पास 100 था तो बढ़ के मूल्य कितना हो जाएगा, 100+R। सेकेंड केस में घटेगा, तो 100 था तो कितना हो जाएगा, 100-R, राइट। तो इसका मतलब अगर वैल्यू कितनी थी, 40 आ जाएंगी, 10,000 थी, तो अब कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई, जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 - R² ठीक है। तो 10,000 अगर था मूल्य तो फाइनली कितना हो जाएगा, 10,000 - R². अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हमको क्या होगी, यही तो निकालना है। तो
10,000 माइनस आर स्क्वायर यूनिट का मतलब हमको एक दे रखा है, तो एक यूनिट का मतलब कितना होगा, तो एक यूनिट का मतलब होगा एक बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, तो हमको 10,000 यूनिट का मतलब निकालना है, तो कितना हो गया हो गुना हो गया 10,000 माइनस आर स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, तो हमारा आंसर होगा 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कंसेप्ट वही है, मैं कंसेप्ट से इधर उधर नहीं हो रहा हूं, जो लॉजिक आपको बताया सारे क्वेश्चन उसी लॉजिक से आपको बता रहा हूं, इस सवाल को अदर लॉजिक से भी कर सकते थे लेकिन मैं एक ही ट्रैक पर चल रहा हूं, आप भी परफेक्ट हो जाइए इस ट्रैक में। आर पर मतलब होता है आर बटे 100, तो पहला चूंकि 100 से बढ़ के राशि कितनी होगी 100 प्लस आर, और दूसरा डिक्रीज है तो घट के 100 से घट के राशि कितनी हो जाएगी 100 माइनस आर, पहले 100 से बढ़ के 100 प्लस आर हो गई, सेकंड स्टेप में आर परसेंट की कमी हो रही है तो 100 पे आर की कमी हो जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं सेकंड स्टेप में आर परसेंट की कमी है तो आर की कमी हो जाएगी 100 पर, तो 100 माइनस आर हो जाएगी, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10,000, इनका मल्टीप्लाई किया तो आया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 10,000 माइनस आर, तो 10,000 माइनस आर दी गई है हमको, हमको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दी गई है एक, तो कितना गुना हो गया, ये हो गया एक बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर गुना हुआ, इतना ही गुना हुआ, तो जब इस राशि का एक बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर गुना एक है तो इसका भी एक बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर गुना कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा 10,000 में 10,000 में इसका गुणा करेंगे तो 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर, तो आंसर कितना हुआ हमारा 10,000 बटे 10,000 माइनस आर स्क्वायर। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा, एक मकड़ी एक घंटे में एक खंभे की ऊंचाई का 62.2% और अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 62.5% 12.5% चढ़ती है, देखो तो पहले घंटे में वो कह रहे हैं क्या बोलते हैं कि ए स्पाइडर क्लाइम्ड 62.5% ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इन वन आवर, तो 62.5% पहले घंटे में चढ़ती है ठीक, और सेकेंड आवर में कितना चढ़ती है 12.5%, और हमें निकालना है यही निकालना है कि सेकेंड आवर में हम कितना चढ़े ठीक है, तो पहले घंटे में खंभे की ऊंचाई का 62.2% चढ़ती है और दूसरे घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5%, और दूसरे घंटे में वो कितना चढ़ा उसने ये निकालना है ठीक है। खंभे की ऊंचाई जो दी है 192 दी है, खंभे की ऊंचाई दी है 192 मीटर, देखो 62.5% और 12.5%, सबसे पहले हमको इनके फ्रैक्शंस का पता होना चाहिए, तो आप देखिए 62.5% का मतलब क्या होता है 5/8, नहीं तो आप मल्टीप्लाई 62 दूनी 124 और एक 125/2 और प्रतिशत का 100 25 5/8, तो 8 में से 5 चढ़ चुकी है, 8 में से 5 चढ़ चुकी है, तो 8 में से 5 चढ़ चुकी है 192 मीटर का, तो बचा कितना 8 में से 3 मीटर शेष ऊंचाई बची है, आप ये बात समझ लीजिए जब हम 5/8 चढ़ चुके हैं तो रिमेनिंग कितना होगा 3/8, 8 में से 5 चढ़ चुके तो बचा कितना 3, तो हमारा बचा कितना 3/8, खम्भे की ऊंचाई का 3/8 बचा है, तो एक घंटे बाद इतनी हाइट बच रही है, और जो दूसरे घंटे में मकड़ी है वो कितना चढ़ती है दूसरे घंटे में वो चढ़ती है 12.5%, अब 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8 ठीक है, तो अब अगले घंटे में कितना चढ़ेगी इस हाइट का 1/8, तो ये क्या आ गया ये आ गया दूसरे घंटे में चढ़ी गई दूरी, जो डिस्टेंस हमको निकालनी है दूसरे घंटे में वो आ गई, तो आप काटिए कितना आ रहा है 8 दूनी 16 8 चौक 32 8 3 24, यानी 3 तरह 9 मीटर, तो इस प्रकार मकड़ी जो है वो दूसरे घंटे में कितना चढ़ेगी 9 मीटर। एक बार और समझ लीजिए इस सवाल को आप, भाई मकड़ी जो है वो पहले घंटे में टोटल हाइट 192 का 62.5% चढ़ती है, तो 62.5% का फ्रैक्शन कितना निकाला 5/8, तो 8 में से 5 चढ़ लिए तो बचा कितना 3, तो 192 का 3/8 बच रहा, अब इस बची हुई दूरी को कौन चढ़ेगा मकड़ी दूसरे घंटे में, अब दूसरे घंटे में चढ़ कितना पाती है वो 12.5%, और यही हमको निकालना है कि दूसरे घंटे में वो कितना चढ़ी, तो इसका 12.5% आप निकालोगे तो कितना आएगा 1/8, तो जो बची हुई दूरी है उसका 1/8 दूसरे घंटे में
बटा 8 निकालोगे तो कितना आ रहा है 9 मीटर। इसका मतलब मकड़ी दूसरे घंटे में 9 मीटर की ऊंचाई दूरी तय करेगी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर। हर साल 20% वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है। यदि इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज ₹259.20, तीसरे और चौथे साल के मूल्यों का अंतर दे रखा है हमको 259.20, देन 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो दूसरे साल के अंत में जो वस्तु की कीमत थी उसका 40% क्या होगा ये हमको निकालना है। तो देखो चार साल की कहानी है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। 20% मूल्य हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर 100 रुपये मूल्य है तो ये 120 होगा, ठीक। 20% कीमत हर साल बढ़ रही है, ठीक है। फिर 20% कीमत बढ़ाओगे तो इसका 20% कितना होगा, 24 रुपये, तो ये 144 हो जाएगा। फिर 20% कीमत आप बढ़ाओगे, अब इसका 20% कितना होगा, 28.8 रुपये, 28.8 रुपये। तो 28.8 इसमें जोड़ोगे तो 8 और 8 4 12 का 2, 4 और 2 6 और 1 7 172.8 हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले 4 साल का मैंने 20% की ग्रोथ के साथ फिगर लिख लिया। वो कह रहे हैं कि हर साल 20% कीमत बढ़ जाती है, तीसरे और चौथे वर्ष में कीमतों का अंतर, देखो तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों का अंतर कितना है, वो है 28.8, ठीक है। तो तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों का अंतर दिया है, अब ये कितना दिया है 259.20, ठीक। तो दूसरे वर्ष के अंत में जो मूल्य है कितना है 120, इसका 40% क्या होगा, ठीक है। तो देखो 28.8 का मतलब दिया है 259.20, तो एक निकालना होगा 28.8 का 259 में हम भाग, तो लगभग आप अंदाज लगाइए कि भाग कितनी बार जाएगा, तो लगभग ये भाग कितनी बार जाएगा, तो अगर ये हम देखते हैं 28.30 मान लें और 3, 9, 27 और लगभग 9 बार भाग जा रहा है, 9 × 2 = 18 और बिल्कुल ठीक ये भाग जा रहा है 9 times। तो 28.8 का मतलब है 259.20, तो एक का मतलब क्या होगा 9, एक का मतलब होगा 9, ठीक। अब एक का मतलब 9 है तो 120 का मतलब क्या होगा, 120 × 9, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें सेकंड ईयर के प्राइस का 40% हमको निकालना है। तो 40% का मतलब क्या होता है 4/5, 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, तो आप इसका भी 2/5 कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 5 से काटेंगे, 5 से काटोगे तो कितना होगा 24 × 48 × 9, तो 9 × 8 = 72, 7 बचा और 9 × 4 = 36 और 36 × 7 = 43, तो आंसर आ जाना चाहिए इसका 432। तो आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ 432। बच्चों ये क्वेश्चन HSL एग्जाम में आया हुआ है, तो आंसर हुआ इसका 432। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, सवाल का लेवल थोड़ा चेंज हुआ और बहुत अच्छा सवाल था। वो कह रहे हैं एक वस्तु की कीमत है वो हर साल 20% बढ़ती है, तो पहले साल से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो 100 अगर इनिशियल मान लें तो 20% बढ़ते बढ़ते मूल्य हो गया हमारा 172.8। अब वो कह रहे हैं कि दूसरे और तीसरे साल के मूल्य का अंतर जो है 28.8 × 259.20, कटेंगे तो 9 बार कटेगा। अब हमें निकालना क्या था, हमको निकालना था दूसरे साल के मूल्य का 40%। तो पहले तो हम दूसरे साल 120 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 = 9, तो 120 की वैल्यू 120 × 9 और इसका 40%, 40% क्या होता है 2/5, तो इसका 2/5 कर लें, तो इसका भी 2/5 कर लें, तो आंसर कितना हुआ 432। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 432। तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं सक्सेसिव चेंज, और सक्सेसिव चेंज में दो पार्ट में मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। आज हम पहला बेसिक पार्ट इसका किया। वैसे तो परसेंटेज चैप्टर से कभी भी बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं मिलते,
जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको प्री में मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मेंस में भी मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्टेट एग्जाम में मिलेंगे। तो आज हमने सक्सेसिव चेंज का पहला पार्ट पूरा किया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं सक्सेसिव चेंज के सेकेंड पार्ट, दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे हों तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जिनने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में सक्सेसिव चेंज हम पूरे करेंगे। मिलते हैं एक दिन बाद। नमस्कार।